Hello students, today I am going to explain Honeydew a class 8, a poem that is on the grasshopper and the cricket. And the poet of this poem is John Keats. John Keats is known as the lover of nature, lover of beauty. And he is looking the beauty in every season of the earth. Either that is winter or that is summer. Now he is comparing, he is looking the beauty in summer and winter both, and the poem which is the grasshopper and cricket. Grasshopper is the symbol lover of summer, while cricket is the lover of winter. The poet wants to say that no season is useless and no season is but every season is good. Whatever nature has created, that all are good. Now he is saying that the poetry of the earth is never dead, meaning beauty of nature will never dead. When all birds are faint with the hot sun, and the height cooling trees, wise will run from the haze to his about new moon made meet that. इज द ग्रास होपर इज़ ही ही लीड इन लग्जरी नेवर डन विथ हीज डिलइट फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फनी रेस्ट इज बीनीथ सम प्लीजेंट वीट पोएट कहना चाह रहा है कि पृथ्वी की जो सुंदरता है वह कभी समाप्त होने वाली नहीं है जब जैसे ऑल द बर्ड्स आर फेंट विथ हॉट सन अब गर्मी में सारी चिड़ियाँ परेशान हो जाती हैं गर्मी से परेशान हो जाती हैं फेंट मतलब बेहोश हो जाना बेहोश होने से मतलब यह है पूरी तरह से उनकी खूबसूरती मुरझा जाती है अपने आप काफ़ी परेशान महसूस करती हैं एंड हाइट कूलिंग ट्रीज और अब कूलिंग ट्रीज मतलब छाया देने वाली वृक्ष की तलाश करती हैं उसमें छिपती हैं ए वॉइस विल रन फ्रॉम हिज टू हिज आउट न्यू मोन हेड और एक आवाज एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आती जाती रहती है एंड दैट इज ग्रास जो कि ग्रासओपर की, की आवाज़ रहती है ही टेक्स द लीड इन समर लक्जरी वह उस गर्मी में आनंद लेता है ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स फॉर वेन टायर्ड आउट विथ वन वह कभी भी ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलइट्स मतलब वह कभी भी अपने आनंद का त्याग नहीं कर आनंद लेने की हमेशा कोशिश करता है क्योंकि जब वह टायर्ड हो जाता है थक जाता है अपने फनी आनंद से तो ही रेस्ट इज बिन इज प्लीजेंट वीड वीड मतलब छोटी घास जो होती है तो उस छोटी घास में प्रवेश करके छोटी घास के नीचे घुस करके वह कंफर्टेबली आराम करता रहता है मीनिंग उसके अंदर वो क्वालिटी है कि हमेशा आनंद ले उसी जगह नेक्स्ट द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज सीजिंग नेवर अर्थ मतलब पृथ्वी की जो पोएट्री है कविता कविता से मतलब ये है यहाँ पर पृथ्वी की जो सुंदरता है वो कभी रुकने वाली नहीं सीजिंग मतलब कोई रोक नहीं सकता है जैसा देखते हैं गर्मी आती है फिर जाड़ा फिर बरसात ऐसे करके सीजन चेंज होते रहते हैं और हर एक जितने भी सीज़न है सब अपने आप में यूनिक हैं सब अपने आप में सुंदर हैं तो वैसे कह रहा है पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर यानी पृथ्वी की जो सुंदरता है रुकने वाली नहीं है कभी समाप्त होने वाली नहीं है ऑन द लोन विंटर इवनिंग वैन द फ्रास्ट है साइलेंस फ्रॉम द सम स्टोन देयर थ्रील्स द क्रिकेट सॉन्ग और जब ज, जाड़े की शाम में कोहरा फ्रॉस्ट लो कोहरा कुा को चारों तरफ साइलेंट कर देता है सबको शांत कर देता है तो स्टोन के नीचे पत्थर के नीचे से क्रिकेट के गीत उस क्रिकेट की आवाज़ आती है गाने की आवाज़ आती है इन वार्फ इनक्रीजिंग यूवर जो कि एकदम पूरा जोशो खरोश से रहता है यानी गर्मी से पूर्ण रहता है ऐसा लगता है कि उसे पूर्ण रूप से गर्मी लगा और लोगों को ठंडी लग रह, लगी रहती है लेकिन उसकी आवाज़ से ऐसा लगता है कि उसके ऊपर ठंडी का कोई असर नहीं है एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लोस्ट द ग्रास ग्रासपर्स एमंग सम ग्रासी हिल्स और ऐसा महसूस होता है वन इन ड्राउजीनेस ड्राउजीनेस मैंने जो आधी निद्रा सो रहे हैं मतलब झपकी ले रहे हैं वह भी अपनी झपकी खो देते हैं जब ग्रास ओपर को पहाड़ियों के बीच सुनते हैं कभी कहना चाह रहा है कि व्यक्ति अपने अपने समय में अपने अपने आनंद को अवश्य लेना चाहिए चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे बरसात हो चाहे दुख हो चाहे सुख हो दुख में भी आनंद है और सुख में भी आनंद है सुख में भी दुख है बस जो पृथ्वी का चक्र है प्रकृति का जो नियम है परिवर्तन है परिवर्तन से कभी भागना नहीं चाहिए उस परिवर्तन का आनंद लेना चाहिए और परिवर्तन में परिवर्तन के अनुसार ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करना चाहिए मेन थीम इस पोयम की यही है अगर आप परिस्थितियों को देख करके के अपने आपको परिवर्तित नहीं करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं परिस्थितियों अनुसार परिवर्तित परिवर्तित करते हुए खुद आगे बढ़िए और जीवन का आनंद लीजिए दैट्स ऑल